दिसंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ भी समितियों के माध्यम से किसानों का धान लिए जाने की प्रक्रिया जारी है, जबकि कई खरीदी केंद्रों में किसानों से तय मात्रा से अधिक धान लेने के साथ हम्माली शुल्क भी मनमानी तरीके से वसूला जा रहा है। जिला मुख्यालय से लगे बसदेई में सुखती के नाम पर ज्यादा धान लिया जा रहा है, तो प्रतापपुर में बारदाना नहीं होने की वजह से दो दिन से धान खरीदी बंद पड़ी हुई है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकवा के बेटे जिला पंचायत सदस्य लोकेश पैकवा ने कहा है कि सरकार जानबूझकर समितियों में बारदाना नहीं भेज रही है ताकि किसानों से धान लेने से बचा जा सके, और इसके साथ ही किसानों से झूठ बोलकर सत्ता में आने का आरोप लगाया है। ये 2500 रुपया बोल करके धान खरीदने का वादा किए और इस तरह से भी सोसाइटियों को जो अपने चावल दुकानें हैं वहाँ के बोरा ये बोरा नहीं पूरा पा रहे हैं। सोसाइटियों को इतने दबाव दे करके बोरा जमा कराया जा रहा है, इनके पास बोरा खरीदने के लिए जो पैसे नहीं हैं और ये चाहते हैं कि हमको कम धान खरीदना पड़े। बात की जानकारी किसानों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को भी लगी है और ये बात सही है कि किसी कारणवश वहाँ एक दो दिन धान खरीदी बंद थी, लेकिन हम लोगों ने जब अपने उच्च अधिकारियों से अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो सब सेटल हो चुका है और वहाँ पे धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो चुका है।